हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में, और आप सबको सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं चाय और रोटी का नाश्ता कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? आप लोग ने नाश्ता किया या नहीं, कर लीजिए गाइस। फिलहाल मैं कर लेता हूँ। गाइस, वीडियो बनाने के जगह मेरा चाय भी ठंडा हो गया यार, रोटी के साथ तो फिर भी अच्छा था। लेकिन अभी जब इसको अभी पी रहे तो ठंडा हो गया बहुत। सर्दी से ना गला, मतलब क्या हो गया, आवाज़ अच्छा से निकल नहीं रहा है, अंदर ही में दब के रह जा रहा है, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि दो दिन से पानी पी रहे थे, कोल्ड पानी, ठंडा पानी, इसलिए शायद आवाज़ इस तरह हो गया। फिलहाल आप लोग ने पिया, मैंने बोला था आप लोग पी लीजिए, तो मैं भी ख़त्म कर लिया मैंने चाय। तो गाइस, अभी नीचे से मैं ऊपर आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ थोड़ा लाइट है और यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग अच्छा है और अच्छा भी दिख रहा है। वो देख सकते हो गाइस, ट्रेन आ रही है, लोकल ट्रेन है शायद, नहीं लोकल तो नहीं लग रहा है, इंटरसिटी नहीं, लोकल ही है, भागलपुर से आ रही है बाका। ये देखिए चल गई है, हम लोग का घर पटरी के बगल में ही है, पटरी के अब थोड़ा 100-250 मीटर दूर है लगभग। तो गाइस, अभी मैं छत जा रहा हूँ, थोड़ा ठंडा लग गया था ना सुबह में, क्योंकि 5 बजे में मैं गया था बस पर चढ़ने के लिए बस स्टैंड, तो सुबह सुबह बहुत ठंडा लग गया था। ओ माय गॉड, इस पिछले वीडियो में एक भाई ने हाई किया था, कमेंट में हाई किया था, तो हेलो भाई, और फिर उन्होंने पूछा था कैसे हो, तो मेरा तो बढ़िया है, आप कैसे हो? फिर उन्होंने पूछा था कि बाका में आप कहाँ से हो, तो भाई मैं बाका में बाका से ही हूँ, आप कहाँ से हो? तो कमेंट ज़रूर कीजिए। फिलहाल मैं छत पर हूँ गाइस, आ गया, और ये शायद गेंदा का फूल का पौधा है, उतना भी अच्छा नहीं है, वो बाल्टी में उसको लगाए हैं फिलहाल तो, क्योंकि 2 ठो लिए थे गमला, तो वो पूरा टूट के ख़त्म हो गया है। तो अभी चलते हैं छत के सामने से, देखते हैं उधर सामने का व्यू। सामने में सबसे पहले डिश लगा हुआ टाटा स्काई का, बहुत दिन से इसको रिचार्ज ही नहीं किया, यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, सब कोई मोबाइल में देख लेता है टाटा स्काई ऐप से। तो गाइस, वो देखिए रोड उधर, और उधर ट्रेन का पटरी, और ये हम लोग के सामने का बगीचा। वो ट्रेन पटरी, और उस ट्रेन पटरी के उस पार नदी है। तो गाइस, विंटर भी आ चुका है, और अभी छत में है धूप में, उतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा है ठंडा, हल्का लग रहा है ठंडा, और हल्का गर्मी भी लग रही है क्योंकि धूप में है ना इसलिए, और उतना भी ज़्यादा नहीं लग रहा ठंडा, बट सुबह सुबह लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। ज़्यादा धूप में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सावला आदमी को ज़्यादा धूप में रहना नहीं चाहिए, और नहीं तो और काला हो जाएगी। जो गोरे भाई लोग हैं वो रहिए, मस्त रहिए, कोई बात नहीं। तो गाइस, ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गुरुंज लत है, इसका काढ़ा बना के पिया जाता है। जब कोरोना आया था ना, मतलब सेकेंड वेव, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पिए थे ये हम लोग के घर के आदमी, ये गुरुंज लत, और मतलब नीम का पत्ता मिक्स करके पूरा गर्म पानी में उबाल करके पूरा पिए थे सुबह खाली पेट में, और इतना ज़्यादा कड़वा लगता था, बहुत ज़्यादा कड़वा, करेला से भी और ज़्यादा कड़वा लगता था, लेकिन क्या करें, मजबूर में पीना पड़ता था अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
तो ये बहुत ज़्यादा सूख गया, लगभग हो गया एक साल लगभग हो गया यहाँ पे छत पर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ नीचे नीचे कुछ किताब उताब खोल के देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि उसका आया ना ये वैकेंसी SSC JD का, तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो नीचे चलते हैं अभी।